Hello dear children, in this video I will be explaining the poem Windy Nights, and this is the poem of Ratna Sagar publication Pearls book. Okay, and in this one I'll be giving you question answers also, so let's begin without delay. It is the content page, whatever is in your book. Now let's begin. It's your brief or summary in which the poet is telling what is given about the winds, and let's begin now poem विंडी नाइट्स. बेटा विंडी नाइट्स मीन्स क्या होता है कि ऐसी रातें जो कि बहुत तेज हवा चल रही होती है. सो लेट्स सी, देखो जैसे यहाँ पर हॉर्स है, ठीक है. ये हॉर्स जो है, मतलब इस हॉर्स के ऊपर ये मैन राइड कर रहा है और कितनी तेज हवा यहाँ पर चल रही है. तो ऐसे इसमें बोला गया है व्हेन एवर द मून एंड स्टार्स आर सेट, मतलब जब मून, मतलब जब चांद भी छिप जाता है और स्टार्स भी छिप जाते हैं, मतलब जब स्काई में ना तो मून होता है ना ही स्टार्स होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, व्हेनेवर द विंड इज हाई, और जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तब All night long in the dark and wet, और पूरी रात बहुत ही अंधेरी होती है, बहुत ही गीली. गीली का मतलब, वेट का मतलब यहाँ पर रेन, मतलब बारिश होती है. जैसे होता है ना कि आंधी तूफान बारिश होती है और गीला गीला हो जाता है हर जगह और अंधेरी रात हो जाती है, तो उसी रात के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ऑल नाइट, पूरी रात, लॉन्ग इन द डार्क, पूरी रात अंधेरी रात में, और गीला मतलब बारिश में, अ मैन गोज राइडिंग बाय, एक जो ये आदमी है वो राइडिंग करता रहता है और बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से ये घोड़े के ऊपर दौड़ लगाता रहता है. अ मैन गोज राइडिंग बाय लेट इन द नाइट, वो बिल्कुल रात में, बिल्कुल अंधेरी रात में, लेट नाइट मतलब पूरी अंधेरी हो जाती है रात, उस रात में कब, व्हेन द फायर्स आर आउट, जब लोग अपने घरों की फायर्स मतलब लाइट बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं, जब सभी लोग अपने घरों की लाइटें बंद करके, फायर्स आर आउट मतलब जब लाइटें बंद हो जाती हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, तब वो क्या करता है, लेट नाइट में, अंधेरी रात में, वो आदमी एक हॉर्स के ऊपर राइड करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है. Why does he gallop and gallop about? वो क्यों, क्यों वो इतनी तेजी से, गैलप मतलब दौड़ता है, मतलब घोड़े के ऊपर सवारी करता रहता है, तेज दौड़ता रहता है घोड़े के ऊपर, बहुत तेज तेज अपने घोड़े को क्यों दौड़ाता रहता है, गैलप मतलब बहुत तेजी से दौड़ाना. Whenever the trees are crying aloud, जब भी ट्रीज जो है वो जोर जोर से उनके बोलने की आवाज आ रही होती है, मतलब देखो जैसे भी विंडी नाइट्स होती हैं, जब आपको पता है ना बहुत तेज हवा चल रही होती है तो क्या होता है, बहुत जोर जोर से पत्तों की फड़फड़ाने की आवाज आती है, रैट्स मतलब रैटलिंग आती है, रैटलिंग का मतलब जो पत्तों की फड़फड़ाने की आवाज है वो सुनाई देती है, तब वो हॉर्स पर बैठ करके यहाँ पर बहुत तेजी से दौड़ लगाते हुए यहाँ से निकल जाता है. एंड शिप्स आर टोज एट सी, और जब शिप्स जो समुद्र है उसके अंदर जो जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, जो बोट होती हैं, वो अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे होकर के हिलने लग जाती है, पता है ना जब तेज हवा चलती है तो समुद्र में भी ऐसे होता है कि जैसे जो शिप है वो डूब जाएगी, कभी एकदम से शिप ऊपर हो जाती है, कभी एकदम से डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी बहुत ही, वो बताते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होते हैं, जब इतनी तेज हवा चल रही होती है, तब यहाँ पर क्या है, एक आदमी घुड़सवारी करते हुए जैसे बहुत तेजी से दौड़ रहा हो. By on the highway, उसके बाद वो हाईवे पे जाते हुए दिखाई देता है, लो एंड लाउड, कभी धीरे तो कभी बहुत जोर से. एंड By at the gallop goes he, और वो इतनी ही तेजी से दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है. By at the gallop he goes, और ऐसे ही दौड़ता रहता है, ऐसे ही दौड़ता रहता है. And then, और फिर भी वो दौड़ता ही रहता है, मतलब इतनी तेज हवा में वो दौड़ता रहता है. By he comes back at the gallop again, और फिर से वो उन्हीं रास्तों पर दोबारा से दौड़ता रहता है, अगेन मतलब दोबारा दोबारा उन्हीं रास्तों पर दौड़ता है, उस बारिश वाली रात में, उस तेज तूफानी रात में. और ये जो आपकी पोएम है वो लिखी गई है आर एल स्टेमसन ने, ठीक है. तो स्टेमसन ने ये पोएम लिखी है. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर जो कि इस बुक में दिए हुए हैं. ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना है. पहला है द स्पीकर कैन हियर द मैन राइडिंग एट नाइट, बिल्कुल नाइट में उसकी राइडिंग को सुन सकता है. द स्पीकर कैन हियर द राइडर राइडिंग, क्या राइडर की राइडिंग को सुन सकता है जब स्टॉर्मी होती है, तूफानी, नहीं. द राइडर हियर्स द ट्रीज,
कॉलिंग आउट टू हिम, क्या ट्रीज उसको बुला रही हैं राइडर को? नहीं, क्योंकि तेज आवाज तो आती है पत्तों की, लेकिन वो उसको बुलाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। द राइडर गोज अप एंड डाउन द हाईवे, बिल्कुल वो अप एंड डाउन जो है हाईवेज पे जा रहा होता है यहाँ पे। द स्पीकर कैन हियर द राइडर व्हेन द सी इज काम, जब समुद्र, समुद्र तो शांत है ही नहीं यहाँ पर, समुद्र के अंदर तो अप एंड डाउन चल रहा है, तो ये भी फॉल्स है। इट इज द विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म दैट साउंड्स लाइक द हॉर्स राइडर, नहीं मतलब विंड जो है वो हॉर्स राइडर की जगह की तरह आवाज नहीं निकालती है। नेक्स्ट है आपका, आपको टिक द करेक्ट बताना है। द विंड इज हाई का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलना, इट इज वेरी विंडी। इन द डार्क एंड वेट का मतलब होता है कि एट नाइट इन द रेन। When the fires out का मतलब होता है जब लोग अपने घरों में अपनी जो lights है, tubes है, उनको बंद करके सोने के लिए चले जाते हैं। By at the gallop means क्या होता है कि he rides by very fast, बहुत तेजी से दौड़ना। गैलप मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ना। और ये हैं आपके कुछ idioms हैं जिनको आप यूज करते हैं एंड का यूज करके। तो स्लो के साथ आपको एंड लगाकर इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्या आएगा, स्लो एंड स्टेडी, सेकेंड ब्राइट एंड सनी, डाउन एंड आउट, नाउ एंड देन, टूथ एंड नेल, अप, आपके साथ क्या आएगा, अप एंड अबाउट, ह्यू का मीन्स आएगा ह्यू एंड क्राई, एंड हार्ड के साथ क्या आएगा, हार्ड एंड फास्ट। तो ये थे आपके एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।